वेलकम टू मॉम्स प्लेटर ऑफ लव। आपने तो इंट्रो में देख लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। बट इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए झटपट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि कटे हुए केले। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बस पानी वाला मत लीजिएगा। थोड़े अनार के दाने। इसके साथ ही मैंने लिया है हरे अंगूर, इसे मैंने काट लिया इस तरह से। साथ ही काले अंगूर लिए हमने। थोड़ी सी कीवी ली है। इन सभी फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, एप्पल को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर का, 2 बड़े चम्मच के करीब। आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 लीटर दूध। इसके साथ ही हमें चाहिए चीनी 1/2 कप के करीब, यानी 120 ग्राम। तो चलिए हम इसे बनाने की ओर बढ़ते हैं। कस्टर्ड पाउडर में हम थोड़ा सा दूध मिला लेंगे। एक पतला सा हमें घोल बना लेना है। उसी दूध से थोड़ा सा दूध लेकर इसमें मिलाकर एक घोल बना लीजिएगा। ऐसा करने से कभी भी कस्टर्ड बनाते समय लम्स नहीं आएंगे। देखिए, ये घोल बनकर रेडी है। पूरी तरह से इसी तरह का घोल हमें चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गैस पे हम एक पैन चढ़ा लेंगे। पैन के गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें दूध। अब हम इसमें उबाल आने तक का वेट करेंगे। देखिए, उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चीनी को। चीनी को इसमें ऐड करके हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे। अच्छे से आप चलाते जाएं, धीरे धीरे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रहेगा। देखिए, चीनी अच्छे से मिल चुकी है। चलिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं कस्टर्ड पाउडर का घोल, जो हमने बनाकर पहले रखा था। उसी को थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम मिलाते जाएंगे। पूरा एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करें और इसे चलाते जाएं। आपको इस स्पैचुला को लगातार चलाते जाना है, नहीं तो कस्टर्ड में लम्स बन जाएंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम में पकाते जाएंगे। लगातार चलाते चलाते देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है। देखिए, पूरी तरह से बनकर रेडी है। स्पैचुला में इस तरह से कोट हो जाना चाहिए पूरी तरह से। अब चलिए हम इसे ठंडा कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर में ले आते हैं। देखिए, कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर में आ चुका है। तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कटे हुए फ्रूट्स को। सबसे पहले मैं एप्पल ऐड कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे सभी फ्रूट को इसमें आप ऐड कर लेंगे। पानी वाला फ्रूट ऐड ना करें, जैसे कि वाटरमेलन, ऑरेंज, इस तरह का फ्रूट आप इसमें ऐड ना करें। बस इसी तरह का फ्रूट ऐड करें जिसमें ज्यादा पानी ना हो। अब इसे अच्छे से आप मिला लेंगे कस्टर्ड के साथ। सभी फ्रूट को धीरे धीरे आप कस्टर्ड में मिलाते जाएंगे। देखिए, पूरी तरह से लगभग मिल चुका है। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 3 घंटे तक हम ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। देखिए, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारा कस्टर्ड। मैंने थोड़ा सा इसे ऊपर से फ्रूट के साथ गार्निश किया है। कितने झटपट से तैयार हो गया है कस्टर्ड। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना है। देखिए कितना यमी बना है। ये ना ज्यादा थिक है और ना ज्यादा थिन, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बना है हमारा आज कस्टर्ड। अगर आप भी इस मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो आप भी बड़े आसानी से कस्टर्ड घर में ही बना सकते हैं, और वो भी बिना
किसी परेशानी के। बहुत बार लोगों को शिकायत होती है कि कस्टर्ड कभी पतला बन गया है, बहुत गाढ़ा बन गया है, पर देखिए ये कस्टर्ड एकदम परफेक्ट है। इसको आप फॉलो कीजिए और इसी तरह से बनाकर खाइए और मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे पता है आपको आज की मेरी मम्मी की रेसिपी बहुत ही पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। নমস্কার, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে এমনি থাকো, আমাদের সাপোর্ট করো। থ্যাংক ইউ।